Please support me daily new crossdressers story and Hindi video come in 8:30 PM. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me. Belly dance. Hello girls. कैसे हो आप लोग? आज मैं आई हूँ एक और कहानी के साथ इस ब्लॉग में। आज से मिक्स लैंग्वेज माय स्टोरीज आएंगे। ये कहानी है चिराग की और उसकी भाभी की, जिसने उससे भिटार के औरत को जगाया और अपनी काला को पहचान का मौका दिया। चिराग एक सीधा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने पेरेंट्स से दूर अपने भाई के साथ रहता था। उसका भाई की शादी हो चुकी थी और वो अपनी बीवी के साथ रहता था, पर उसके भाई को अपने जॉब की वजह से ट्रांसफर होना पड़ा, इसलिए अब चिराग अपनी भाभी के साथ रहता है। चिराग भाभी इन परफॉर्मेंस। चिराग की भाभी हमेशा से डांस में बहुत इंटरेस्ट था और उसका अपना क्लासेस वो जुम्बा एरोबिक्स और बॉलीवुड डांस सीखती थी। इस वजह से वो अपना काम नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बेली डांस में था। हर शाम को वो लड़कियों के साथ क्लास सीखती थी। चिराग की भाभी देखने में काफी सुंदर थी और उसकी साइज एकदम आवर ग्लास फिगर थी। चिराग अपनी भाभी के साथ खूब बेटी काटा और अपने पढ़ाई के बारे में डाउट पूछता। लेकिन एक दिन शाम को घर इन पार चिराग ने देखा कि उसकी भाभी घर पार नहीं थी। उसने कॉल करके पूछा तो उसकी भाभी ने कहा, माए आज जल्दी क्लास में आई हूँ, तुम भी आ जाओ, माए वहीं पे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बात सुन के चिराग को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने साहस किया और वहां गया। वहां साहब लड़कियां बेली डांस कर रही थी और वो देखता रह गया। उसके मान माए भी ईचा हुई, पर ये बात वो कैसे बताता तो उसने कुछ नहीं कहा। एकल दिन चिराग के कॉलेज माई नोटिस आया कि एनुअल इवेंट माई पार्टिसिपेट करने का क्या लास्ट दिन है और उस जितने वाले को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माई ग्रेस मार्क्स मिलेंगी। चिराग ये सुन के खुश हुआ कि वो इस साल पास हो जाएगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस पढ़ाई माई बहुत काम था। पर दिक्कत यह थी कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं था जिसकी वजह से वो इवेंट माई पार्टिसिपेट करे। ये चीज को सोक्ट हुए वो बेड पर लेटर था। उठने माई हाय उसकी भाभी ने उसको पूछा, क्या हुआ, ऐसे घुमसम से क्यों सोए हो? तब जेक उसने अपनी समस्या के बारे में बताया तो भाभी ने कहा, बस इतनी सी बात। उसम क्या है माई, तुम्हें डांस सीखा देती हूँ। पार चिराग शो था कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को डांस आता था और अगर उससे इस कंपटीशन माई जितना है तो उससे कुछ हटके करना होगा। तब उसकी नजर अपने भाभी के बेली डांस के कॉस्ट्यूम पार पड़ी। उसके दिमाग माई आइडिया आया कि क्यों ना माई बेली डांस सीख लू। उसके बाद जब भी उसकी भाभी उससे डांस सिखाती थी, वो चुपके से दरवाजे से जाकर लड़कियों को बेली डांस करते हुए देखता और वही चीज अकेले माय मिरर के सामने कॉपी काटा। अभी कंपटीशन को 2 महीना बाकी था, पर उससे कुछ स्टेप्स समझ नहीं आता। उसने सोचा, अगर मुझे बेली डांस सीखनी है तो मुझे लड़कियों के तरह ड्रेस करके उनकी तरह सोखना होगा। चिराग ट्राइंग ड्रेस अप भाभी। चिराग ने अपने आजू बाजू देखा तो उससे अपने भाभी की बेली डांस कॉस्ट्यूम ड्रेस बेड पर रखी हुई मिली। उसने दरवाजा बैंड कर दिया और ड्रेस को पहन लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर वो गर्दन के नीचे से बिल्कुल लड़की सा लग रहा था। चिराग थोड़ा चबी था, पर वो पोज देने के बाद एकदम चबी लड़की सा लगता था, ओपन माउथ स्माइल। लेकिन जब उसने अपने आप को निहार रहा था, तब उसने खिड़की खुली छोड़ी थी और उससे यह भानक भी नहीं थी कि उसकी भाभी ये सब चुपके से देख रही थी। चिराग अपने हाई ख्यालों में मस्त था, तब उसने एक ट्वर्ल करने का सोचा और उसकी नजर अपने रूम की खिड़की पर, वो वही शॉक हो गया देख के कि उसकी भाभी ये देखकर हंस रही थी। आवाहन कपटू माई, तो तुम बहुत हाई खूबसूरत लग रहे हो, कोल्ड स्वेट स्माइल हो, आई एम सॉरी लग रही हो। चिराग भाभी को देख के एकदम से शॉक हो गया था, शराम के मैं उसके गाल लाल हो गए थे। फिर भाभी रूम के अंदर आए और चिराग ने उसको सारी बात बताई। ये सुनकर वो हंसने लगी, आ इसमें क्या शर्मना, आजकल तो लड़के भी बेली डांस सीखते हैं, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इन कपड़ों में एकदम लड़की लागोगे। भाभी जी आप बस भी कीजिए, चिराग ने कहा। चलो माई तुम्हें मदद काटी हूँ, अभी कंपटीशन माई काफी टाइम है, तब तक तुम ये यहाँ शाम को क्लास ज्वाइन कर सकते हो। पर चिराग को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, वरना भाभी वेज भी अपने क्लास की सहेलियों को ये बात बांटा देती। भाभी ने फिर एक नजर मेरी ओर देखा और कहा, कल शाम को क्लास एंड से पहले तुम्हें एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लगेगी। चिराग ने कहा, पर क्या माय रेगुलर कपड़ों माय क्यों नहीं आ सकता,
इस बार भाभी बोली, तुम वेज भी फंक्शन माँ इस ए लड़की परफॉर्म करने वाले हो तो आज से हाई आदत डाल लो, ट्रस्ट मी तुम एकदम सेक्सी लागोगे। So Kalo, let's go, it's shopping time. Shopping dress. चिराग शॉप माए जेक डांगरे गया, उसने इतने सारे कपड़े नहीं देखे। द लड़कियों के सेक्शन माए भाभी ने फिर कहा, तो इनमें तुम्हें कौन सी पसंद आई? तो इस बार चिराग बोला कि आपको जो ठीक लगेगा वही लूंगा। सोच लो, क्योंकि मैंने अगर कहा तो पीछे नहीं हट सकते, लेकिन चिराग टाया था अपनी किस्मत को अजमाने के लिए। भाभी फिर दूसरे सेक्शन माए जेक सेल्स लड़की से बात किया और चिराग को एक कमरे माए लेके गई और कहा, ये लो, ये है मेरी चॉइस रेड बेली डांस कॉस्ट्यूम। चिराग इस ड्रेस को देखता हाई रे गया, वो सोच माए पैद गया कि कश हो या नाराज, क्योंकि वो ड्रेस दिखने से ज्यादा एक्सपोज ज्यादा कर रही थी। यह देख के उसने भाभी के ओर देखा और कहा, मुझे शर्म आएगी इसे पहन कर क्लास माए इन। माए भाभी ने कहा, तुम्हें इसे घर माए पहन के नहीं आना, क्लास माए चेंजिंग रूम है, टियर्स ऑफ जॉय। पार भाभी पार बा, कुछ नहीं, तुमने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है मुझे। काफी डिस्कशन के बाद चिराग को मना हाई पड़ा। नेक्स्ट डे इवनिंग, चिराग अपनी भाभी के साथ क्लास माए एंट्री मारी। टॉप सारी लड़कियां उसकी ओर देख रही थी। इस बार चिराग समझ गया था कि भाभी ने सारी बात अपने सहेलियों के साथ शेयर कर दी है। भाभी की सहेलियां ओपन माउथ स्माइल, काफी लड़कियां उससे देख के शेयर कर रही थी, जिससे देख के चिराग शराम के मैं पन्नी पन्नी हो गया था। फाइनली चिराग चेंजिंग रूम माए जेक अपना ड्रेस पहन के आया। भाभी ने फात से कैमरा से फोटो निकल दी। Girls in belly dance class. भाभी ने चिराग की 2-4 जल्दी से फोटो निकल दी ताकि बद में वो अपनी बात से पलट ना जाए। माए ये अपने पास रख रही हूँ, अपने पर्सनल कलेक्शन माए थ्रोइंग किसेस। चिराग ने कैमरा लेने की कोशिश की, पार सभी लड़कियों ने उससे घेर कर उसकी हाथ पकड़ लिया। चिराग अपने हाथ चुदाने की कोशिश कर रहा था, पार 10 लड़कियों के सामने उसका जोर नहीं चला। भाभी ने फिर उससे कहा कि अगर तुम ये क्लास अटेंड नहीं करोगे तो तुम परफॉर्म नहीं कर पोगे, और परफॉर्म नहीं कर अपने की वजह से तुम्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगी, तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। चिराग फिर हताश होके बाकी लड़कियों के यहाँ जेक खड़ा रहा। भाभी OHK girls, let's start the class. आज हमें यहाँ एक नई एडमिशन है जो हमारे साथ बेली डांस सीखने वाली है। सो लेट्स वेलकम चर्वी। चिराग इस चर्वी विंकिंग फेस। पहले चिराग को समझ नहीं आया, फिर सारी लड़कियां उसके तरफ देखने लगी। तब उसकी बत्ती जली बल्ब। नहीं भाभी, माए लड़की नहीं हूँ, माए बस अपने कॉलेज माए ग्रेस मार्क्स मिलने के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर भाभी ने कहा, अच्छा तो फिर तुमने मेरे पूछे बिना लड़कियों के कपड़े क्यों पहन लगे? मेयर से बात करते तो माई समझ सकती थी। पार वर कुछ नहीं, यहाँ सब लड़कियां हाई है, और अगर तुम्हें सीखना है तो लड़की की तरह हाई बनना होगा, समझे चर्वी विंकिंग फेस। फिर ये कहते हुए क्लास शुरू हुई। शुरुआत माई चर्वी को थोड़ी दिक्कत होने लगी, लेकिन जैसे हाई वन हैफ तो हो गया, चर्वी को बेसिक थमका और कनमार मटकना आ गया था। फिर उसने एडवांस मूव्स सीखना भी शुरू किया, जैसे शिमी, बेली पॉप, हिप ड्रॉप, अंजुलेशन एंड फेमस फिगर एट मूव। अंजुलेशन फिगर एट, भाभी ये सब देख के भी इम्प्रेस हो गए। चर्वी लेकिन सोच माए पैक गई कि यह तो ठीक है, माए साहब के सामने कैसे परफॉर्म करूंगा, मुझे डर लगता है। भाभी ने उसकी डायरी भी शक्ल देख के हाई समझ गई। वो चर्वी के पास आके उसने पूछा, क्या बात है? तब चर्वी ने सारी बात भाभी से कह दी। भाभी ने कहा, तुम बस एक बार परफॉर्म करने वेल हो, हम लड़कियों को तो बार बार परफॉर्मेंस देनी होती है, और सब लड़के हम कमेंट्स भी पास करते हैं, फिर भी हम हैस परफॉर्म करते हैं। पार भाभी आपकी बात अलग है, आपको एक्सपीरियंस है। इस पार भाभी ने कहा, मेरी गुड़िया शुरुआत में माई भी डर रही थी, लेकिन बद में आदत होती है, और तुमने तो सारे बेसिक और एडवांस बेली मूव्स तो आ गए, बस तुम्हें ये साफ सबके सामने परफॉर्म करना है। भाभी फिर खड़ी हो गए एकदम से। चलो माई तुम्हारा डर आज दूर कर देती हूँ, तुम मेरे साथ स्टेज में आओ। फिर भाभी ने अपने सहेलियों के कान माई कुछ कहा और वापस स्टेज पर आए और चर्वी से कहा, तुम हमारे सामने परफॉर्मेंस दो, इससे तुम्हारा डर भी दूर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कुछ भी हो जाए अपना परफॉर्मेंस को मत रोकना। इस बार चर्वी ने कहा, ऐसे क्यों? तुम ज्यादा सवाल मत करो और टायर हो जाओ।
चर्बी फर त्यारी माए लग गया। उसको कोई आइडिया नहीं था कि एज क्या होने वाला था। सब लड़की स्टेज के सामने बाटी टाकी चर्बी के परफॉर्मेंस को देख सके। भाभी ने फर अनाउंसमेंट की, आज की शाम आपके सामने पेश करते हैं इंडियन क्लासिकल बेली डांस फ्यूजन सबलाइम, जिससे पेश करने वाली है हमारी आइटम नंबर 1 चर्बी। चर्बी ये सुन के वो शॉक हो गया और एम्बरास फील करने लगा, लेकिन उसने अपने मान को संभाल कर अपनी कमर हिलाना शुरू किया। चर्बी इन होम पोज इस पर सारी लड़कियां चीयर करना स्टार्ट कर दिया। भाभी को ये साफ देख के भी मजा आ रहा था। चर्बी ने ये साफ को इग्नोर करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा। हिप ड्रॉप और चेस्ट रोल करते हुए वो स्टेज एक किनारे आके ऑडियंस के तरफ आके डांस करने लगी। फर पोडियम के ओर से भाभी ने अपनी सहेलियों को इशारा किया, जिस पर लॉग के कमेंट्स आना चालू हुए। आए हे मेरी चमक, चालू चोली के पीछे क्या है। गर्ल्स पासिंग कमेंट्स। चर्बी को ये साफ सन के उसकी और एम्बरास फील हो रहा था, पर उसने अपना परफॉर्मेंस चालू रखा। फाइनली चर्बी ने सलामी दी, अपना परफॉर्मेंस एंड किया और एकदम से अंदर गई। भाभी को समझ आया कि कुछ ज्यादा हो गया। भाभी ने चर्बी के चेयर पे देखा और उसके एंग से सू इन लगे। इस पर भाभी ने उससे गौर से लगाया, अहम तो मजाक कर रहा है, तुमने अपने दिल पे क्यों ले लिया। माई बस दिखना चाहती थी कि हम लड़कियों को कितने कुछ तकलीफ से गुजारना पड़ता है। चलो आप रोना बैन कारो, एगल हाफ परफॉर्मेंस है ना। ये कहते हुए चर्बी को लेके भाभी अपने घर लेके गई। बेली डांसिंग फाइनल। चर्बी ने एजल एक हाफ तक यही रूटीन चल्लू रखा। वो साफ भाभी की सहेलियों के सामने परफॉर्म काटी और उसका डा काम होने लगा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उससे अब बाकी लोगों के कमेंट से फर्क नहीं पड़ता और वो दिल खोल के नाचती है। चर्बी डूइंग पोज। फर कॉलेज इवेंट का दिन आता है, जिससे चर्बी को और भाभी को बहुत टाइम से इंतजार था। चावी के फ्रेंड्स भी वहां इवेंट देखने एट है, पर उनको आइडिया नहीं था कि चर्बी क्या परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हाई चर्बी अपनी ड्रेस को निकालती है, उसकी ड्रेस बैग के चेन माय फास्ट जाती है, वो जूर लगती है और ड्रेस फाट जाता है। ये देख के चर्बी निराश हो जाती है और उससे समझ नहीं आता कि क्या कारो। उतने माय भाभी उसको बैक स्टेज मिलने आती है और उससे इस हालत माय देखती है और कहती है, क्या हुआ, अभी तक टाई क्यों नहीं हुए। चर्बी फर अपनी ड्रेस दिखती है और भाभी को सारी बात पता चल जाती है। वो कुछ देर सोचती है और एक फोन कॉल लगती है और सारी बात फोन पे सहेलियों को बताती है। 2 मिनट्स के बाद एक सूटकेस आता है, जिससे वो चर्बी को देती है और कहती है, इसे पहन लो और परफॉर्म करना। उस ड्रेस को देख के चर्बी बहुत शर्मती है और भाभी के और देख के कहती है, ये तो आपकी ड्रेस है। हाँ तो क्या हुआ, पहनी तो तुझे ड्रेस हाई है, पर भाभी आपकी ड्रेस काफी रिवीलिंग और टाइट है, मुझे साफ गलत समझेंगे। तुम्हें कैसे भी करके अभी परफॉर्म तो करना हाई है, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हें अगर इतना हाई शर्म आ रही है तो ये फेस मास्क पहन लो। बेली कॉस्ट्यूम मास्क। फर्स्ट स्टेज से चर्बी को कॉल आया, उसने जैसे तेज ड्रेस पहन के चली गई। स्टेज पर एकदम से अंधेरा हुआ और ब्लू स्मोक माय एक हसना खादी दिखे। फॉर म्यूजिक के चालू होने पे एकदम से लाइट चर्बी पे फोकस हुई। उसने अपना परफॉर्मेंस चालू किया और साब एकदम से चीयर करने लगा। मास्क के वजह से सबको लगा कि ये कोई अपने कॉलेज की लड़की है। फॉर एकदम से चर्बी ने हिप को मूव करना चालू किया और स्टेज पे आग लगा दी। साब लड़के उससे देख के सिटिया मान लगा और कॉमेंट करने लगे। चर्बी ने ये साब सन के अनसुना कर दिया और वो अपने माय हाई मास्क रहने लगा। फॉर चर्बी ने ट्वर्ल करके हॉप करना चालू किया, क्योंकि अभी म्यूजिक फास्ट होने लगी थी। लेकिन इस चक्कर माय उसका मास्क गिर गया और चर्बी के दोस्त उससे देख के हैरान हुए। लेकिन चर्बी ने शो को चालू रखा और फाइनली परफॉर्मेंस को एंड किया। फर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चालू हुआ। भाभी और चर्बी एक्साइटेड होके बैठे थे। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू चिराग। भाभी एकदम से कश हुई और चर्बी स्टेज पे प्राइज लेने आए और उसके सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उसे अप्रिशिएट किया और उसने भाभी को थैंक्स कहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, द एंड।